खोटे कट पड़ रही है भाया। दादी बारह निकलने को ना अपना ने शी पड़ रही है गण। हे प्रभु ये क्या क्या देख रहा हूँ, इसको इलेक्ट्रिक चूल्हा बना दिया। कार मैं शुभम सिंह रघुवंशी, ठंड में क्या क्या हाल हो रखा है आपका, गजब बिल आएगा बहुत इसका, बिल कौन भरेगा। देखिए घर के अंदर इनको शॉल ओढ़ना पड़ रहा है, काम कर रहे जा रहे हैं, बर्तन धोए जा, चौका देनी बात वाली सामने आई है गाइस, इनको ठंड ही नहीं लग। गुड मॉर्निंग गाइस, ये माता ये कन्या और इतनी ठंड हो रखी है 11:30 बजे और बाहर कोहरा ही कोहरा, क्या कहना चाहती है इतनी ठंड पे माइया। खोटे कट पड़ रही है भैया, बात तो सही है। चाय पी जा रही है ठंड में, मतलब बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा, गैस भी खत्म कर दिया आप इन लोगों, बताओ सुबह पहले और चाय बनाई है हीटर पे। ओह नो, मतलब क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है राजस्थान में, ठंड ने लिटरली हालत खराब कर दी है। एंड घर में भी निकल रहा, अभी नहीं निकला लेकिन निकल रहा है घर में, चाय पी जा रही है ठंड के अंदर, तो चाय देते रहो भैया और बिस्तरों में घुसे रहो। लिटरली बाहर जाके आपको दृश्य दिखाऊं तो बहुत खतरनाक दृश्य हो रखा है। नहाने का तो भैया, नहाना तो पाप है, जो इस दिन नहा लेगा वो सही बता रहा हूँ गाइस, जो इतनी ठंड में नहा ले उसका इतिहास में दर्ज किया जाएगा नाम। पापा नहा के जा चुके हैं, उनका दर्ज हो चुका है, मुझे भी नहाना है क्योंकि मिलवाते हैं आपको हमारी दूसरी मम्मी से, दूसरी मम्मी भी है मेरी, देख अरे मिलवाता हूँ, बताता हूँ। हाँ हमारी दादी जी बैठी है रजाई में घुस के, दादी 12 निकलने को ना, क्या बात कर रहे अरे बाबा, अपना ने शी पड़ रही है गणो, शी पड़ रही है, घोड़ाई जात तो है तू, घोड़ाई जात है ना, घोड़ाई जात रहनी, टेंशन न लेनी, 12 निकलने को ना, 12 निकल दे, शी पड़ रही है खतरनाक, 12 निकल बाबू काम कर, शी माँ तो गर्मी पड़ रही है, बड़ा पंखा चल रही है बम्बई बम्बई तक, घर वाले सब कह रहे थे बहुत ज्यादा था ठंड, बहुत ज्यादा, आज थोड़ा कोहरा कम है लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है, कल तो हद से ज्यादा ही थी और सुबह सुबह बारिश भी हुई थी शायद थोड़ी बहुत। मैं आप लोगों को मिलवा था अपनी दूसरी मम्मी से, लेकिन दूसरी मम्मी जी अभी मुंबई है, एक्चुअली मेरी जो बड़ी मम्मी है मतलब जिनके पास मुंबई में रहा हूँ मोस्टली, जिन्होंने मुझे माँ की जैसे ही प्रेम दिया और रखा है, और मैं रहा उनके घर पे भी रहा था, राम रूप को जानते होंगे, राम रूप से मिले थे मेरे फ्रेंड से, तो उनकी मदर है, तो वो मैं उनको बड़ी मम्मी बोलता हूँ, वो एक तरह दूसरी माँ ही है मेरी यार, तो उनसे मिलवाने चलता, वो भी यहीं रहते हैं पास में उनका गाँव भी, तो लेकिन अभी वो मुंबई, हमको ही लगा कि वो यहाँ होंगे तो मैंने कहा चलते हैं मिलते हैं उन सबसे भी, लेकिन वो यहाँ नहीं है, चलिए मुंबई चल के मिल लेंगे यार, कोई वो थोड़ी है वो बुला भी रहे, तो मिलने चलते ही है, सबसे मिलते रहना चाहिए अपनों से। तो देखो गाइस पानी भी पीने का वो गर्म करके हम पी रहे हैं, हालांकि ऐसे आप ना करें क्योंकि हम पूरे सावधानी के साथ करें, करंट और आने का डर रहता है ऐसे हीटर्स में, अब मैं इससे पानी पीता हूँ भैया, पानी बहुत ठंडा हो रखा है। जुगाड़ू बिल्कुल माँ, हम इंडियंस जुगाड़ू होते हैं, जुगाड़ में क्या क्या काम करते हैं वो पता है ना, जुगाड़ कर खा दे चलो चलो। हे प्रभु ये क्या हुआ, ये मैं क्या देख रहा हूँ, इसको इलेक्ट्रिक चूल्हा बना दिया, रोटी बनाए अभी क्या करें, वो एक बज गया, हम तो लेट खा लेंगे गैस वैस पे दादी, लेकिन दादी जी हमारी जो है वो बूढ़े हैं, अरे राम गैस हीटर को गणा दिया गैस इन लोगों ने, क्योंकि दादी जी जो हमारी बूढ़ी हैं यार वो ज्यादा वेट नहीं करते कि हम तो थोड़ा लेट भी खा ले, लेकिन दादी जी को टाइम पे दे देते हैं, तो हमने बना दिया इलेक्ट्रिक चूल्हा हीटर को, प्लीज मत करना ये सब बहुत रिस्की काम है, हम बहुत ध्यान से कर रहे हैं हम भी देखो, लेकिन रोटी बन रही है, क्या बात है क्या बात है। A few moments later. Guys, ना के आ चुका हूँ, शाबाश बेटा, एंड ये दिन इतिहास में लिखा जाएगा, नहीं लिटरली बता रहा हूँ, टेम्परेचर कितना ठंड हो रही है। हर्षवीर भी आ चुका है अपनी नानी मम्मी की नानी के घर से, हर्षवीर जाके आए, लिटरली यार हालत खराब हो चुकी है, और मुंबई में पंखे चल रहे हैं इसलिए अपन तो जा रहे हैं भाई मुंबई, टाटा बाय बाय ओके, थोड़े दिनों में जा रहा हूँ फिर मैं मुंबई, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, पिटू लग जाएगी आपके ठंड में, देख बॉल से देख बेटा, आराम से या बहुत खतरनाक ठंड हो रही है, कल चलते हैं अजमेर, और अजमेर में बहुत कुछ सुना है कि इस्कॉन टेम्पल वहाँ खुल गया है, एंड बजरंगढ़ के पानी पूरी वगैरह तो अजमेर तो वो फेवरेट है, तो कल वहाँ भी करते हैं। ये क्या कर रहे हो आप, खाना खा रहे हो वो भी सॉस के साथ, सब्जी के साथ क्यों नहीं खा रहे आप, देखो इतनी ठंड बेटा। गाइस मैंने चार पहन लिए, सही बता रहा हूँ, चार पहन लिए मैंने, वन जैकेट, उसके बाद में नहीं वन जैकेट, दूसरी जैकेट हुडी एंड इनर, इतनी ठंड लग रही है कि शाम को नहाया ना, मैं सही बता रहा हूँ बहुत तकलीफ हुई है।
मत क्यों खा रहे हो आप? सॉस का दास है। अब वो क्या? बढ़िया है, अच्छा है। रोल बनाए तो सब्जी की नहीं खाई? मोए मोए करके बताना मामा को। मोए 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 वो तो लाए नहीं गोलगप्पे। वो ले कितना जोर से चिल्लाइए गाइस ये। और है नहीं लाए नहीं गोलगप्पे। अरे लाए नहीं है तो सब्जी लेके आ गए। सब्जी सब्जी बेटा सब्जी। हाँ मैं गोलगप्पे में उसमें मामी सारे पास आ जा। अरे आ गए। अरे मजा आ गया छोरी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोनों ही खाओगे क्या? और ये तुम्हारे पानी पूरी वाले भैया हाँ मेरे को बुला भी नहीं रहे। अकेले के लिए खा रही है तू? मेरा बेटा बुलाया। ऐसे बैठ के बात तो करो, बात करो, बात करो उनसे करो। उधर देखो ना यार ब्लॉग बना रहा हूँ। देखो बैठे देखो कैसे बैठी है। अरे यार देखो उसको शर्म आ गई। नमस्कार मैं शुभम सिंह रघुवंशी संवाददाता अराई से रिपोर्टिंग देते हुए राजस्थान की। राजस्थान में बढ़ती सर्दी के कारण लोग घर से निकल नहीं पा रहे। आइए जानते हैं इसी तरह एक कमलेश सिंह रघुवंशी जी उर्फ बिरजू भाई से हम मिलवाते हैं आप लोगों को। क्या क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप इस ठंड में? क्या क्या हाल हो रखा है आपका? गजब का। अरे भाई साहब इनको गजब का मजा आ रहा है। अरे ठंड में आप हीटर दिन रात चला के बैठे हैं। बिल आएगा बहुत इसका। बिल कौन भरेगा इसका? बिल बहुत आता है इसका लेकिन फिर भी हमने चला के बैठे हैं दिन भर से। आप क्या कर रहे हैं दिन भर? तप तप करते हैं आप? अरे आप तो बताइए भाई साहब। हाँ नहीं भाई साहब ठंड से आपके कैसी आदत हो रखी है? गजब गजब लग रहा है ठंड में। अच्छा लग रहा है मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यार। भाई साहब ठंड कैसी लग रही है आपको? खतरनाक लग रही है। खतरनाक ही है। रोज सी पड़ रहा है आपके बहुत ज्यादा इधर भाई साहब। बहुत सी पड़ रहा है। कितने जैकेटें पहन के जा रहे हैं आप अभी? भाई साहब दो तीन तीन है। दो दो तीन तीन पहन के जा रहे हैं। दो दो तीन तीन ध्यान से तुम्हें। दो दो तीन तीन पहन के जा रहे हैं। मैंने खुद ने एक दो तीन चार चार पहनी हुई। चार चार इतनी ठंड है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? सरकार को क्या करना चाहिए? क्या ये भी मेरी गलती है? इस बात पे हम बात करते हैं हमारी दूसरी जो है यहाँ पर सर्दी से जूझती हुई औरत। जी जी बहन जी। जी भाई देखिए घर के अंदर इनको शॉल ओढ़ना पड़ता है। शॉल अंदर स्वेटर भी पहना हुआ है इन्होंने। इनर भी पहना हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जोरदार को इनके डर का माहौल बन चुका है राजस्थान के अंदर। और क्या मनाली बनी हुई है राजस्थान। घर से बाहर निकल पा रही है? अरे नहीं निकल रही मैं तो। घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। दुनिया घर से बाहर निकलना बंद हो चुका है। ओह नो। अच्छा इस पर सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार माना दाण और रोटी पानी भेज दे मस्त प्लान है। घर में भेज दे सरकार से बड़ी बड़ी मांग करते हुए ठंड के अंदर जूझते हुए राजस्थान लुगाया लागे ज्यादा सी। लुगाया को लगता है बहुत ज्यादा सी और फिर भी घर के काम करे जा रहे हैं बर्तन धोए जा रहे हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे इंसान के पास। दूसरे इंसान जो कि बहुत ही बड़ी है यहाँ पर हम सबसे और ज्यादा ज्ञान है। हाँ जी तो दीव जी ठंड कैसी लग रही है आपको? बोलो शर्मा गए। अरे ठंड कैसी लग रही है आपको? बोलो मैं नहीं बताऊंगा। नहीं लग रही। ये चौंका देनी बात वाली सामने आई है गाइस। इनको ठंड ही नहीं लग रही। आपने कितने पहन रखे? एक दो तीन। अरे तीन तीन पहने हुए। ठंड नहीं लग रही फिर क्यों पहने हुए आपने? तो आपको ठंड लग रही है मतलब? तो फिर भी आपने ये पहने हुए क्यों है? बोलो। हेलो देखिए मतलब बोलती बंद हो चुकी है ठंड के अंदर। बोला नहीं जा रहा इनसे। कर रही है। हर्षवीर नाम के इंसान है उनको भी बहुत ठंड लग रही है। अरे हर्षवीर जी ऐसे में आइए जानते हैं इस पर हर्षवीर जी के क्या विचार है ठंड के ऊपर। हर्षवीर जी क्या कहना चाहेंगे ठंड के ऊपर? आपको ठंड क्या बहुत ज्यादा लग रही है? आप बिस्तर से निकल नहीं पा रहे हैं। क्या आपको घर पे ही रहना है?
स्कूल की छुट्टी मतलब इनको स्कूल जाना। अरे शिमला में बहुत ठंड है भाई साहब, वहाँ तो 3 डिग्री शिमला। तो आप वहाँ जी पाएंगे, वहाँ बाहर निकलेंगे क्योंकि यहाँ से तो आप घर से बाहर नहीं निकल रहे। राजस्थान कुल्लू मनाली बन चुका है, टी शर्ट में निकलेंगे। इनके मतलब गलत जवानी आ चुकी है। तो फिर आप स्कूल जाएं, फिर आपको ठंड नहीं लगती। तो इनको फिर स्कूल खोली जाए, इनकी स्कूल बंद हुई है फिर तो आप क्या स्कूल जाना चाहेंगे इतनी ठंड में? हाँ स्कूल जाना चाहते हैं, देखिए बच्चे को देखिए इतनी ठंड में भी स्कूल जाना चाहते। क्या बात है सर, क्या बात। ठीक है आप जल्दी से ओढ़िए इनको और सो जाइए, जल्दी जल्दी रिमोट चलाइए और टीवी में कार्टून देखते दीजिए इनको, सो जाइए ओढ़ के जल्दी। चलिए गाइस अभी नौजवानों से बात करी जाए, तो चलिए गाइस एक नौजवान भी है हमारे घर में और उनसे बात करी जाए। चलिए संवाददाता शुभम के साथ है बुजुर्ग जवान इंसान। दादी सर्दी कतरी पड़ रही है। इतनी ठंड में क्या कहना चाहती हैं? जो बहुत ज्यादा शी पड़ रहा है उसके ऊपर क्या कहेंगी आप बोलो? कतरो शी पड़ रही है, तू शी कतरो पड़ रही है, कत्ता दिन हो गया था ना गुदड़ा निकले। इनको गुदड़े से निकलने का ही मिल रहा है, एक दो। और इन्होंने कितने सारे पेन रखे हैं क्योंकि ये जवान है इसलिए गुदड़े में ही रहते हैं दिन भर। आप बाहर निकल पा रही हैं? घर से बाहर निकल पा रही हैं आप? घर से बाहर जाती हैं आप? घर से जाना बंद बंद हो बाहर नहीं जाता है, पैक हो गया आपका घर से। इनका घर से बाहर निकलना बंद हो चुका है गाइस, बहुत गंभीर बात। ये गड़बड़े बाबा। हाँ जी हमसे सवाल करने एक मीडिया वाली मैडम आई है। हाँ जी मैडम पूछिए। क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ दो दो आगे हैं ये। हाँ जी बोलिए, क्या क्या बताऊँ आपको, बहुत शी पड़ रहा है ठंड। ठंड तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, ये आपका कैमरा तो ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, शी पड़ रहे हैं। देखो एक देखो मैंने एक पेन रखा, फिर उसके बाद दूसरा पेन रखा, फिर तीसरा, फिर चौथा पेन रखा मैंने, बहुत शी पड़ रहा है ये मेरे। और तीन चार पेन लिया आपने भी, बहुत ठंड पड़ रही है मतलब। मेरे देखो एक बार, एक दो तीन, तीन का तीन का चार पाँच छह सात, बहुत ज्यादा। नए मीडिया वाले आ चुके हैं। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? सर्दी के लिए क्या कहना चाहते हैं? सर्दी हर साल पड़ती है, इसको रोको थोड़ा सा, कम करो। राजस्थान में बहुत ज्यादा पड़ती है, मुंबई में ठंडी नहीं पड़ती है, इस ठंड को थोड़ी वहाँ भेजो। एंड सुबह से तपते हुए रात हो चुकी है, अभी थोड़ा बंद किया है इसको हमने। एंड ठंड बहुत ही ठंड हो रखी है अभी भी। एंड चलिए इस ब्लॉग को भी यहीं एंड कर देते हैं, बाकी सबके विचार बता दिए हैं और हम तपते तपते इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं गाइज। आई होप आप लोगों ने ब्लॉग एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया तो आप लोगों को पता है यार गाइज क्या ही करना है, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन, एनीथिंग यू डू बट विदिन योर लिमिट्स, अच्छे से ना सोच समझ के। बट डोंट फॉरगेट विद द लाइक बटन, कॉमेंट प्यार प्यार कॉमेंट करा करो जैसे हर बार करते हो, अच्छे से अच्छा लग जाता है। और नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब तो कर ही देना है, सब्सक्राइब करे बिना कोई नहीं जाएगा, फ्री की चीज़ है, सब्सक्राइब कर देना, उसके पास में घंटी है, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हर न्यू वीडियो शाम को जब भी 6 बजे आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है एंड काफ़ी टाइम से ये कंटिन्यू कंसिस्टेंट रह रहे हैं हम और अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट दे रहे हैं। अगर आप न्यू हो इस चैनल पर तो जाके पहले का कंटेंट देखो, एक नंबर कंटेंट बना रखा है और बढ़िया वाला ही लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए। और प्यारा लगा है वीडियो तो शेयर कर दो, प्यार दे दो आप लोगों, वायरल कर दो इसको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फ्रिज में कैसी ठंड है, इनका सवाल आया है फ्रिज में कैसी ठंड है। जी अभी फ्रिज में ठंड नहीं, अभी राजस्थान में ठंड हो चुकी है, घर में ही फ्रिज बना हुआ है, घर ही फ्रिज बन चुका है, घर ही ठंड बन चुका है।